पिछले कुछ समय से एक बार फिर से पंजाब में जो है वो खालिस्तानियों की आवाज उठती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अब पंजाब गवर्नमेंट की ओर से की जा रही है, जहां पर अब ये खबरें मिल रही है कि जो खालिस्तानियों के लीडर है अमृतपाल सिंह, उसके गिरफ्तारी की चर्चा है। और साथ ही साथ ये ऑफिशियल्स की ओर से कंफर्म कर दिया गया है कि उसके 6 साथियों को भारी मात्रा में हथियारों के साथ जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दूं कि अमृतपाल सिंह जो है वो एक समारोह के लिए जा रहे थे पंजाब के जलंधर मोगा नेशनल हाईवे की ओर, उन्होंने रुख किया था जहां पर एक समारोह था। लेकिन इसी बीच में जो है वहां पर एक वीडियो शेयर की जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि अमृतपाल सिंह के पीछे जो है वो पुलिस लगाई गई है। और ऐसे में जानकारी है कि 8 जिलों की यानी 8 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो है वो अमृतपाल सिंह के पीछे, लगभग जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि 100 गाड़ियां थी पुलिस की, जिप्सीज जो उनकी रहती हैं, तो 100 जिप्सीज में पुलिस जो है उसमें बारी तैनाती थी, जिनके पास हथियार भी था। और उस समय एक्शन में आते हुए अमृतपाल सिंह के 6 जो साथी थे उन्हें भारी मात्रा हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जबकि जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि अमृतपाल सिंह जिस तरह से बताया जा रहा है उस समय वहां से, महतपुर इलाके की बात बता रही हूं आपको, कि वहां से भागने में जो है फरार होने में सक्षम रहे, वहां से फरार हो चुके हैं जहां तक कि मैं जानकारी आपको दे रही हूं। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि वो महतपुर से फरार होने के बाद जो है मोगा जिले से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस ने इस बारे में कोई भी जानकारी जो है वो ऑफिशियल तौर से नहीं दी है कि क्या खालिस्तानी लीडर जो अमृतपाल सिंह है उनकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन उनके 6 साथियों की गिरफ्तारी जो है वो साफ तौर से जो है वो कन्फर्म कर दी गई है। इसी चर्चे के बीच में जानकारी ये भी आ रही थी कि पंजाब के कुछ जिलों में जो है इंटरनेट सेवाएं कल तक बंद कर दी है, यानी 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। लेकिन ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो अभी तक चल रही है। पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो ट्वीट करके पंजाब के लोगों से शांति बरतने के लिए कहा है कि उनका कहना है कि पंजाब के जलंधर में या पंजाब के अलग अलग हिस्सों में कहीं खालिस्तानियों के समर्थक इस तरह से कुछ सोशल मीडिया पर अपलोड ना कर दे और अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की वजह से जो है पंजाब का माहौल ना खराब हो, इसी वजह से सिक्योरिटी के तौर पर ही जो है वो इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया है। आप लोग शांति बढ़ते हो, ना ही किसी भी तरह का कोई भी र्यूमर जो है वो आगे पीछे फैलाएं। जिस तरह से जो भी जानकारी जो वहां से मिल पाएगी ऑफिशियल्स की ओर से वो तो फिलहाल मैं समय समय से आप लोगों के साथ साझा करते ही रहूंगी। लेकिन एक ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है क्योंकि पिछले समय में जब अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन में जो है वो खालिस्तानी सपोर्टर्स और साथ ही साथ अमृतपाल सिंह वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़कर पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए, जिसमें बहुत से पुलिस के ऑफिशियल्स जो ऑफिसर्स हैं उनको भी काफी चोटें आई थी, वो इंजर्ड हो चुके थे। लेकिन वो अपने एक समर्थक को छुड़वाने के लिए जो है वो अजनाला के पुलिस स्टेशन में गए थे। इनके ऊपर जो है वो कुछ केसेस भी बताए जा रहे हैं और पंजाब गवर्नमेंट का कहना है कि यहां के रूल्स रेगुलेशंस को बचाने के लिए ही जो है वो ये कार्रवाई की गई है। लेकिन इस समय पंजाब में जो है वो हलचल का माहौल है और सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट कर दी गई है। आज सुबह से ही जो है वो पूरी तरह से अमृतपाल सिंह की घेराबंदी की जा रही थी पूरी तरह से प्लानिंग करने के बाद। पिछले भी कुछ समय से ये जानकारी आ रही थी कि पंजाब गवर्नमेंट के सीएम भगवंत मान जो है वो यूनियन मिनिस्टर के पास गए थे, उनसे कुछ बातचीत हुई और बड़ा एक्शन जो है वो पंजाब में लिया जाएगा। तो आज वो दिन आ ही गया जहां पर खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की चर्चाएं हो रही है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, उनके 6 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे काफी भारी मात्रा में जो है वो हथियार भी बरामद किए गए हैं। पिछले कुछ समय से फिर से खालिस्तानियों की आवाज उठाने के लिए अमृतपाल सिंह ने अपना एक बार फिर से ग्रुप जो है वो तैयार कर लिया था और अलग अलग जगहों पे पंजाब के उनके समर्थक भी जो है वो उनका साथ देने के लिए सामने आ रहे थे। लेकिन इस समय सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट है, इंटरनेट सेवाओं को पंजाब में बंद कर दिया गया है और पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है। अब ये जानकारी आने का इंतजार है कि ऑफिशियल्स की ओर से जो है वो जानकारी कंफर्म की जाए कि क्या अमृतपाल सिंह को भी जो है वो डिटेन कर लिया है पुलिस द्वारा। कुछ का कहना है हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, कुछ का कहना है कि उन्हें जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, डिटेन कर लिया है। लेकिन ऑफिशियल्स की ओर से इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऑफिशियल्स की ओर से सिर्फ यही जानकारी है कि उनके 6 समर्थकों को ही इस समय जो है गिरफ्तार किया था। महतपुर इलाके से अमृतपाल सिंह फरार होने में सक्षम रहे थे, उसके बाद वो मोगा से गिरफ्तार हुए हैं या नहीं है इस समय पुलिस की हिरासत में
में है या नहीं, ऑफिशियल्स की जानकारी आना भी बाकी है, तो र्यूमर्स को जो है वो हीड ना दें। जिस तरह से कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी आप लोगों के समक्ष जो है वो जरूर रखी जाएगी, लेकिन इस समय पंजाब गवर्नमेंट का एक बड़ा एक्शन प्लान जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलेगा। खालिस्तानियों को लेकर आप लोगों की क्या कुछ सोच है, क्या जो ये मांगे कर रहे हैं उस चीज को लेकर आप अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और देखते रहिए बाहुल। जम्मू वासियों के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिद्रा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय।